आखिरकार पत्रकार शशिकांत ने निरहुआ, खेसारी और पवन से सीधे सीधे दुश्मनी क्यों साधी है? निरहुआ के साथ शशिकांत ने जो किया वो तो आप सभी को पता होगा, और इन दोनों का झगड़ा काफी दिनों तक मीडिया की सुर्खियां बना रहा। लेकिन अब शशिकांत ने सीधे सीधे पंगा खेसारी से ले लिया है। जी हाँ, खेसारी लाल यादव की आने वाली फिल्म दबंग सरकार के बारे में कुछ ऐसा लिख दिया है शशिकांत ने, जो खेसारी को गुस्से में ला सकता है। शशिकांत ने दबंग सरकार के बारे में ये लिखा है कि दबंग सरकार को यूपी बिहार में कोई बायर यानी कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ शशिकांत ने ये लिखा भी नहीं भूला है कि फिल्म के डायरेक्टर पराग पाटिल ने अभी इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन की बात किसी से की नहीं है। ये तो रही खेसारी के मामले की बात। लेकिन पवन से तो शशिकांत ने प्रोफेशनली नहीं, पर्सनली दुश्मनी मोल ली है। अगर आपको याद होगा तो कुछ दिनों पहले मीडिया में ये खबर आई थी कि नशे की हालत में धुत होकर पवन सिंह ने अक्षरा सिंह पर हाथ उठाया है, और ये सब मामला सिलवासा के एक होटल में हुआ है। तब पवन और अक्षरा फिल्म माँ तुझे सलाम की शूटिंग सिलवासा में कंप्लीट कर रहे थे। इस खबर को मीडिया में लाने वाले शशिकांत सिंह ही हैं। जी हाँ, शशिकांत ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर ये पूरा मामला पोस्ट किया था, जिससे ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। और इस खबर पर पवन और अक्षरा दोनों के फैंस ने बहुत ही बुरा रिएक्ट किया था। इस खबर को तूल पकड़ता देख अक्षरा ने तुरंत बकायदा अपने फेसबुक अकाउंट से लाइव आकर इस खबर को झूठ बताया था। लेकिन पवन सिंह ने तो इस मामले में चुप्पी साधी ही रखना बेहतर समझा। लेकिन जब शशिकांत ने निरहुआ की फिल्म बॉर्डर के बारे में लिखा और टिप्पणी की, तो उन्हें कभी नहीं पता होगा कि हमेशा शांत रहने वाले निरहुआ उनके लिखे गए पोस्ट पर इतना बड़ा रिएक्ट करेंगे। वैसे शशिकांत ने यह पहला मौका नहीं था कि जब निरहुआ के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर टिप्पणी की हो। इससे पहले भी शशिकांत ने कई दफा ऐसी टिप्पणियां निरहुआ पे कर चुके थे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।